कर्नाटक के शिवमोगा में 20 फरवरी को बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए 10 लोगों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि अधिनियम 1967 की धाराएं लगाई गई, यानी कि UAPA। पुलिस अधिकारी ने बताया है कि हत्या के पीछे किसी बड़ी साजिश का संदेह है। कहा जा रहा है कि 27 वर्षीय कार्यकर्ता हर्ष की हत्या उन लोगों के एक समूह ने की है जिनके साथ 2016 से उनका कथित तौर पर झगड़ा चल रहा था। हर्ष की हत्या के अपराध में गिरफ्तार किए गए 10 लोगों में से एक 30 वर्षीय मोहम्मद काशिफ 2017 में हर्ष के साथ जेल में बंद था। कई अन्य आरोपियों ने कथित तौर पर उसके इस अपराध को अंजाम देने में मदद की थी। उनके खिलाफ मारपीट, चोरी और डकैती के कई मामले दर्ज हैं। दरअसल UAPA के प्रावधान आमतौर पर उन मामलों में लागू होते हैं जहां देश की अखंडता को टारगेट करने की साजिश का संदेह होता है। जिनके खिलाफ UAPA लगाया जाता है उनको जमानत मिलना भी मुश्किल होता है। बताया जा रहा है कि हर्ष के हमलावरों में शामिल एक आरोपी से करीब 6 महीने पहले एक अदालत परिसर में झड़प हुई थी। संभावना है कि हत्या जैसे जघन्य अपराध को अंजाम देने की ये वजह हो सकती है। हालांकि पुलिस इस मामले में किसी बड़ी साजिश का भंडाफोड़ करने की कोशिश में है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये अपराध कर्नाटक में चल रहे हिजाब विवाद के बीच हुआ था। बजरंग दल कार्यकर्ता हर्ष कथित तौर पर शिवमोगा के कुछ कॉलेजों में हिजाब पर प्रतिबंध लगाने के समर्थन में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल थे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया हिट।